तो पहला, और ये दोनों दिग्गज शहर हैं। देखिए भारती पे मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, लेकिन आप न्यू भारती देख रहे हैं, जो उनका लियो सैटेलाइट है वो एक साल में इतना बड़ा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट विल प्ले आउट के मैं बता नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट इज नॉट मच, बट द सैटेलाइट ट्रांसमिशन और इंटरनेट इज गोइंग टू बी ह्यूज। सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक विद अ टारगेट ऑफ 750 इन द नेक्स्ट वन ईयर, बट इन द शॉर्ट रन 531 to 532 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 522, टारगेट ऑफ 550। The other buy would be, now we are heading for a very robust monsoon, जो थोड़ा सा एक हफ्ते से delayed है, and we think that SUV sales in the month of July will be very strong. तो मुझे इस भाव पे महिंद्रा बहुत पसंद है। Futures are trading at a discount because of dividend. 62-64 में लीजिए, stop loss of 742, target of 800 to 820। दो buy ideas हैं। पहला है मैंने ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आफ्टर दिस रीसेंट मर्जर, बिकॉज बंधन इज रीचिंग आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स, एंड द न्यू जो उनको रिप्रीव मिला है इन आसाम फॉर लेंडर्स, आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे। 315 रुपए के भाव में रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल, 6.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, पहला टारगेट 325, तो बंधन लीजिए। और अब लीजिए सबसे बड़ा मॉर्गेज लेंडर 2465 और 70 में लीजिए, सॉरी 70-72 में लीजिए HDFC, स्टॉप लॉस ऑफ 2422, टारगेट ऑफ 2550। बंधन एंड HDFC आर अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट बाइज एट दिस प्राइस। ओके, तो बंधन और HDFC में पोजीशन लेकर चले। HDFC में एक मीडियम टर्म में तेजी की पोजीशन भसीन साहब दे रहे हैं, और बंधन में भी एक मौका खरीदारी का ही होना चाहिए। भसीन साहब, हम सुबह में रियल्टी की काफी बात कर रहे थे, लेकिन रियल्टी से जुड़ा हुआ सीमेंट सेक्टर पर भी एक व्यू दीजिए आज के गिरते बाजार में या फिर कंसोलिडेट करते बाजार में। अल्ट्राटेक 3%, ग्रासिम 2.5-2.25%, श्री सीमेंट करीब 2% ऊपर, और मिडकैप्स में भी हमने देखा है बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो हर्षिता, आपसे मैं पूछता हूँ, ये इंटायर लॉकडाउन में आपने तीन चीजें जरूर देखी, मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक तो डोमिनोज पिज्जा के आदमी, एक स्विगी और जोमैटो, और तीसरा अल्ट्राटेक के रेडीमेड मिक्सर के ट्रक। वो ऐसे टैंकर चल रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रही है जो मैंने शायद पिछले 10 साल में नहीं देखी। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ कि गोदरेज प्रॉपर्टी और सीमेंट आर गोइंग हैंड इन हैंड, सीमेंट कैन नॉट हैव सच स्ट्रॉन्ग डिमांड अनलेस देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। तो अल्ट्राटेक इज गोइंग टू 7.5, maybe 7700 एज ए डिस्क्लोजर। अल्ट्राटेक, अंबुजा एंड ACC आर थ्री ऑफ आर टॉपिक, श्री सीमेंट कैन बी द डार्क हॉर्स इन दिस स्पेस। स्वागत है सेठी साहब आपका, कल का मिंडा इंडस्ट्रीज शुक्रवार का बड़ा कमाल करता हुआ दिखाया, मेरे ख्याल से आपके टारगेट्स हासिल हुए भी थे सुबह, जहां तक मैंने देखा था उसके आसपास पहुंचा जरूर था। बताएं सर, आज की पिक्स कौन सी है, किस तरह की पिक्स है, आप बताएं जरा एक बार अंदाजा लें दोनों के फ्यूचर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, देखिए कल की जो पिक है उसके टारगेट भी अचीव हो गए, और जो दूसरी पिक थी कल की वो भी अच्छा कर रहा है। टाटा मेटलिक्स मैंने दूसरा स्टॉक रिकमेंड करा था मिंडा इंडस्ट्रीज के साथ, 1195 में किया था, अभी 1225 से 30 के लेवल्स आज सुबह उसने भी टेस्ट किया, अभी भी शायद 1220 के आसपास है, तो वो स्टॉक अच्छा कर रहा है। बाकी अनिल जी, दो स्टॉक है आज, दोनों में खरीदारी करनी है, और दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। आजकल मिड कैप और स्मॉल कैप में एक बहुत ही दमदार तेजी चल रही है, और खाली भारत के बाजार में ही नहीं अनिल जी, देखिए कल US में भी जहां डाउ जोन्स और नैसडैक में 1% की तेजी थी, वहीं रसेल इंडेक्स में 2% की तेजी थी। तो ऑल इन ऑल मिड कैप स्मॉल कैप का दौर चल रहा है, तो यहीं से दो स्टॉक मैंने पिक किया आज। ओके, तो चलिए शुरुआत कीजिए पहले शेयर के साथ सर। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है वो स्टॉक मैंने पहले भी रिकमेंड किया हुआ, बहुत ही निचले लेवल पे, स्टॉक का नाम है पोकरना, जो कि अभी 356-357 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में मतलब एक जबरदस्त स्टॉक है, ये तीन बिजनेस सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है। एक तो ग्रेनाइट, ये भारत की सबसे बड़ी पॉलिश ग्रेनाइट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। दूसरा इनका प्रोडक्ट है क्वार्ट्ज, जिसको इंजीनियर्ड स्टोन बोलते हैं। क्वार्ट्ज ये जो प्रोडक्ट है एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, और इसकी जो डिमांड है वो रियल इस्टेट की डिमांड पे निर्भर करती है, और हम देख रहे हैं रियल इस्टेट की एक जबरदस्त डिमांड चल रही है, और आज रियल इस्टेट सेक्टर भी फोकस में है, और इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी रियल इस्टेट पे डिपेंडेंट है। और इनका ये जो प्रोडक्ट है एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जिसके लिए इनके पास एक इटली की कंपनी है ब्रेटन स्टोन, ब्रेटन करके जिनकी टेक्नोलॉजी है, ब्रेटन स्टोन टेक्नोलॉजी, उसके लिए इनके पास एक्सक्लूसिव टाई अप है। और इनका इस प्रोडक्ट का ब्रांड है कॉन्ट्रा, जो कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, और प्रीमियम प्राइसिंग मिलती है, बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट होता है, US में इसकी जबरदस्त डिमांड है, और US ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले क्वार्ट्ज पे 250% तक की ड्यूटी लगा दी थी कुछ महीनों पहले, तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा। और फिर इन्होंने इस प्रोडक्ट के लिए IKEA, जो कि एक लीडिंग फर्नीचर चेन है,
उनके साथ भी एक करार किया है उनके कस्टमर्स को ये कोर्ट जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करने का। और पिछले दो तीन महीने पहले ही इन्होंने ये जो क्वाड की कैपेसिटी है उसका एक नया प्लांट हैदराबाद में शुरू किया है, जिसका भी फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, और बाकी इस कंपनी में निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी करीबन 6.74% स्टेक है, और दमदार स्टॉक है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे खरीदे। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 375 का, स्टॉप लॉस रखना है 340 का। ओके, 340 के स्टॉक के साथ 375 के टारगेट के लिए यहाँ पर करें खरीदारी। ये है पोकरना में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब बताएं सर, दूसरा स्टॉक आपका आज के लिए? अनिल जी, जो मेरा आज का दूसरा स्टॉक है वो भी स्टॉक मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, जो निचले लेवल पे मैंने रिकमेंड करा हुआ है। कंपनी का नाम है वॉटेक वाबाक। ये एक भारत की है, आप एक MNC कंपनी इसको बोल सकते हैं, जो कि 20 देशों में कार्य करती है। कंपनी का मेन फोकस है वाटर सॉल्यूशंस के कारोबार में। ये वाटर ट्रीटमेंट, फिर डिसेलिनेशन, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, वाटर रिक्लेमेशन, इस तरह का कारोबार करती है। 100 से ज्यादा इनके पास पेटेंट है। एक जबरदस्त 10,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, और बहुत ही अच्छी स्ट्रांग एक ऑर्डर पाइपलाइन है। और जैसे सरकार का जो फोकस है, एक तो जो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसकी एक मेजर बेनिफिशियरी ये कंपनी होती है, फिर जो सरकार ने एक जल जीवन मिशन को फोकस दिया है उसका भी एक बड़ा फायदा वाटर विभाग जैसी कंपनी को होना है। और ये कंपनी आजकल कई सिटीज के साथ टाई अप करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो कि एक जबरदस्त ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी वाला बिजनेस है। उसके अलावा अनिल जी, इस कंपनी में भारत के जो दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी ने करीबन 8.04% स्टेक खरीदा हुआ है हाल ही में, मतलब 2-3 क्वार्टर पहले। फिर अमेरिका की MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की करीबन 2.52% स्टेक है, और ये वही MIT है जिसने IEX में भी स्टेक लिया हुआ है, जो कि कई बार मैं रिकमेंड करता हूँ। और बाकी अनिल जी, दमदार फंडामेंटल्स है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स में खरीदे। शॉर्ट टर्म में 395 का टारगेट है और 360 का स्टॉप लॉस है। ऑटो सेल्स आर गोइंग टू बी अक्रॉस द बोर्ड इन जुलाई, तो आपको एक अपडेट दे दूं, 80-81 पे आपको इक्विटास 150 का टारगेट दिया था, जब सब लोग सोच रहे थे क्या है, आज सर्किट पे है 138.20 इन द लास्ट मंथ इट इज अप 33%, तो 150 का टारगेट भी अब 175 जाएगा। दूसरा आपको मारुति 7400 का टारगेट था, 7611 हो गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट। परसों आपको फेडरल बैंक 85-85.90 का टारगेट, 89 का टारगेट हो गया, वहां प्रॉफिट बुक कीजिए। अब दो बाइस हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी जरूर। तो पहला होएगा अर्चिता, हीरो मोटोकॉर्प। अनक्वेश्चनेबली इन टू व्हीलर यू विल सी द बेस्ट स्पर्ट इन जुलाई। हीरो मोटो फ्यूचर आर एट 28.80-85, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 28.45, लुक फॉर टारगेट ऑफ 2950। दी अदर बाय वुड बी भारती। नाउ भारती इज अ स्ट्रक्चरल बाय, जो नियो लियो सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया है, दैट इज गोइंग टू बी ग्लोबली अ गेम चेंजर इन द नेक्स्ट वन मंथ, सो आई थिंक इन द नेक्स्ट वन ईयर। एंड यू हर्ड द लाइक्स ऑफ नेल्को एंड ऑल टेल यू व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग इन इन लियो और द लो सैटेलाइट, लो अर्थ ऑर्बिट्स विच दे कॉल्ड। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन भारती विद अ टारगेट ऑफ 650 आज के लिए है, 36-37 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 26, टारगेट ऑफ 550। भारती एयरटेल और हीरो मोटोकॉर्प दोनों में तेजी का कॉल। अच्छा भसीन साहब, क्योंकि आपने इक्विटास सबसे पहले दिलवाया था, ये जो आज की ताजा खबर है कि RBI ने अनुमति दे दी है, चाहे तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक रिवर्स मर्जर की तरफ बढ़ सकते हैं, कितने चांसेस है कि इक्विटास ये करता दिखाई देगा, और उज्जीवन पर भी फिर आपके क्या विचार होंगे? नहीं, मैंने उसी समय हर्षिता कहा था, कन्वर्ट उज्जीवन इनटू इक्विटास। द मैनेजमेंट हैज गॉन थ्रू थ्री इयर्स ऑफ क्लेंजिंग एंड इफ रियल इस्टेट एंड अदर, दे हैव अ वेरी लो टिकट साइज लेंडिंग ओवर देयर, सो आई एम वेरी बुलिश, 170 टारगेट एंड आई थिंक दे विल गो हेड। ऑल्सो नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू अ डिस्क्लोजर दैट थ्री बैंक्स विच हैव बीन सजेस्टिंग मिड कैप बैंक्स विच कैन आउट परफॉर्म, एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू बुक प्रॉफिट्स इन मिड कैप IT एंड गेट इनटू बंधन बैंक, RBL एंड IDFC फर्स्ट। अब IDFC फर्स्ट इज अ यूनिवर्सल बैंक, नाउ दे आर अवेटिंग द लाइसेंस फॉर गेटिंग द मर्जर ऑफ द होल्डिंग कंपनी विद दैट। IDFC फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मी इज अ 75 rupees स्टॉक, एंड IDFC द होल्डिंग कंपनी ऑल्सो विल बी मोर देन 75 बिकॉज द डिस्काउंट इज फेयरली लार्ज एट 45%। तो दिस मर्जर स्पेस इज बिकमिंग वेरी क्लियर, एंड आई थिंक मिड कैप बैंक्स आर गोइंग टू रूल द रूल्स फॉर 2021। एज अ डिस्क्लोजर, वी हैव बाइंग इन ऑल थ्री, IDFC फर्स्ट, बंधन एंड RBL। भसीन साहब, आपसे प्रॉपर्टी स्टॉक्स पर भी राय लेनी है। आपका सबसे पसंदीदा काउंटर जो पिछले 3 साल से आप रेकमेंड कर रहे हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ।
कोई टिप्पणी पोजिशनली किसी एक रियल एस्टेट स्टॉक पर गोदरेज प्रॉपर्टीज के अलावा जो आपको पसंद आता हो? नहीं, गोदरेज के अलावा तो डीएलएफ है, डिक्लाइन पे लीजिए, लेकिन गोदरेज ही जाएगा 1750 तो मैं दूसरी तरफ क्यों देखूं? मुझे तो मार्केट लीडर चाहिए, 1750 का भाव 2-3 महीने में और अगली दिवाली 2500 का भाव। जी जी भसीन साहब, किसी तरीके से आप इस कॉन्फिडेंस को जो आपके अंदर है ना, जरा बॉटल कर दीजिए और इसको भी जिस हिसाब से आप स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं कॉन्फिडेंस सबको पिलाइए। बताइए 1750 का लक्ष्य आप अगली दिवाली तक दे रहे हैं, फिलहाल 1550 पर चहकता हुआ गोदरेज प्रॉपर्टीज। भसीन साहब एक आखिरी प्रश्न, जब तेल के दाम 100 रुपए लीटर क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं, मारुति आपको गाड़ियों के दाम बढ़ाता हुआ दिख रहा है 15,000 रुपए प्रति यूनिट कम से कम स्विफ्ट में, क्या ये दो अलग चीजें नहीं है ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाती हुई? अरे शैलेंद्र जी, पहली बात तो ये लिखिए, मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी अगले 2 महीने में कहा है 1750, अगली दिवाली 2500 का भाव। और दूसरी बात, सारी दुनिया कह रही है तेल बढ़ना है और मार्केट में कोलैप्स कब आएगा कब आएगा कब आएगा, मैं भी उसी चिंता में हूँ, लेकिन वो चिंता तो बनी रहेगी। शेयर बाजार पहले सबको अंदर लेगा 1600-1600-1300, फिर देखेंगे जब मंदी आएगी। ऑयल इज अ कॉर्नरी टू ग्रोथ, जैसे ग्रोथ आएगी तो रिलायंस के जो मार्जिन है पेटकेम और जो उसके अदर डेरिवेटिव हैं, दे विल कम विद द बेस्ट क्वार्टर। ऑयल राइजिंग इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर रिलायंस एंड ONGC एंड 3 times मोर फॉर रिलायंस बिकॉज देयर अदर प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू डू, सो डोंट जस्ट वे रिलायंस ऑन जियो। और आज भी मैं कहता हूँ, डू अ सिप फॉर द नेक्स्ट 20 days इन HDFC बैंक, रिलायंस एंड मारुति, यू विल बी रिचली रिवॉर्डेड इन द मंथ, इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई।